हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बायक्रम जी के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों डिटेल्स कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों बाइकों के बीच में। अगर आप फ्रंट से ही देख रहे हैं, कोई अभी तक अगर मैं पीछे ना ले जाऊं तो कौन है ऐसा जो बता सके कि ये कौन कौन सी बाइक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए, ये जो बाइक आप देख रहे हैं बजाज पल्सर N160 है और इसी से कंपेरिजन होगा बजाज पल्सर N150 का। सेम टू सेम कलर है। अब इन दोनों बाइकों में क्या क्या फ़र्क है और बजाज सिर्फ नाम बदलता है कि काम भी बदलता है, क्या क्या चेंजेस आपको इन दोनों गाड़ियों में मिलेंगे, बारीकी से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसलिए वीडियो को हम बहुत ही बढ़िया लंबी हल्का करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप पूरा देख लेंगे तो भाई इन दोनों का कंपेरिजन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको यमहा FZS वर्जन 4 भी दिखा दूँगा और उनसे भी आपको बता दूंगा कि उसकी कितनी कीमत है और ये कीमत कितनी है, माइलेज और फीचर्स क्या क्या मिलता है इन दोनों बाइकों में। तो आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा और TVS अपाची RTR 160 4B भी आपको मैं डिटेल्स में बता दूंगा कि उन दोनों गाड़ियों में कौन सा फ़र्क है, ठीक है। तो चार गाड़ी समझ लूँ कि आप यहाँ इस वीडियो में जानकारी पाएंगे अगर आप भाई वीडियो को पूरा देखेंगे तो। तो ये हो गई बजाज पल्सर N160 और ये हो गई बजाज पल्सर N150 और ये रही यमहा FZS वर्जन 4। आप देखो आप सामने से, ठीक है, ये है यमहा FZS वर्जन 4। सिंगल चैनल ABS आता है, ध्यान दो आप। और वहीं पर अगर आप यमहा FZS वर्जन 4 आपने देखा, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बजाज पल्सर N160, ये देखिए ये है डुअल चैनल ABS के साथ और ये है बजाज पल्सर N150 सिंगल ABS के साथ मिलता है, यानी कि इससे बराबरी आपकी यमहा FZS हो जाएगी और ये यमहा FZS से ऊपर है। इससे कंपेयर होगा TVS अपाची RTR 160 4B जो अभी हाल में लॉन्च हुई है, उससे कंपेयर होगा। अभी तक जो है उससे नहीं होगा, वो डुअल चैनल ABS में आई है, उसकी कीमत 1,68,000 रुपये। कितना? 1,68,000। और यमहा FZS की कीमत है 1,57,000 रुपये और उससे बराबरी में आपकी N150 आती है 1,39,000, 1,40,000 से भी सस्ती, ठीक है। अब फर्क देखो, इन दोनों बाइकों में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिलेगा दोनों गाड़ियों में DRL के साथ। लेकिन अगर आप देखेंगे यमहा FZS वर्जन 4 तो इसमें आपको सिर्फ LED वाली लाइट मिलेगी, इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलेगा। और DRL मिलेगा तो इसमें मिलेगा तो भी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया आप, यानी कि इन दोनों बाइकों में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है और TVS अपाची RTR 160 4B में ये भी नहीं मिलेगा। इन दोनों का जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ये आप ध्यान दीजिएगा। अब इसकी कीमत है 1,56,000 रुपये। बजाज पल्सर N160 की कीमत है 1,56,000 रुपये और इसकी 1,39,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों बाइकों का डिटेल देखो आप। ये जो फ्रंट का लुक है, यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प DRL लाइट ये आपको मिलेगा और यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए, बाइक स्टार्ट हो जा भाई। ये देखो, इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है और इस गाड़ी में भी आपको सेम टू सेम फीचर मिल जाते हैं। देखिए इसमें भी आपको हम जला के दिखाते हैं, ये देखिए। अब इन दोनों बाइकों का आप देखो, ये सामने का पोजीशन जो है वो देखो आप, और इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए N160 का इंडिकेटर है और ये है N150 का इंडिकेटर, देखो आप। और ये जो ग्राफिक स्टिकर आप देख रहे हैं, कलर आप देख रहे हैं, ये इन दोनों बाइकों का सेम है। देखिए यहाँ से आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि गाड़ी ये कौन सी है, N160 है कि N150 है, यहाँ से देखो आप। अब उसके बाद इसके जो हैंडल है ना, ये भी यहाँ से भी आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सेम टू सेम हैंडल, ये बार एंड और ये सारा फीचर्स आपको मिल जाएगा। देखिए आप, ये N150 है और ये है N160। देखिए यहाँ से आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। मिरर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से मिरर भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा, ये मिरर एकदम सेम डिज़ाइन पर है, ठीक। तो निकाल नहीं रहे हम, लगा रहने देते हैं। तो ये हो गया, यहाँ सब बिल्कुल सिमिलर है। अब इन दोनों का साउंड सुनाते हैं फिर आगे वीडियो में बढ़ते हैं। ये आप सुनो N160 की और ये सुनो N150 की, ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों बाइकों का आपने साउंड सुना और अब दोनों बाइकों का मैं फर्क बताऊं साउंड में। बेस जो है इसमें ज्यादा है,
N160 में बेस आपको ज़्यादा मिलेगा गमक की आवाज़। अब सामने से इसका जो मडगार्ड है यहाँ पर भी फ़र्क मिलेगा। देखो N160 में यहाँ पर स्टिकर दिया गया है और इस तरह से आपको मडगार्ड मिलता है। देखो आप डुअल टोन फिनिशिंग के साथ यहाँ पर भी आपको मडगार्ड इस तरह से मिलेगा, सेम डुअल टोन फिनिशिंग है और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर है इसमें सिल्वर इधर ग्रे, यहाँ पर देखो ये सिल्वर ग्रे बल्कि सेम है, ऐसा दिख रहा है डुअल टोन ये पे है। ऐसा दिखेंगे तो ये दिखेगा, ये देखिए देखिए ग्रे, एक ही स्टिकर कलर बदल रहा है। तो यहाँ पर आपका कोई स्टिकर नहीं रहेगा, ये फ़र्क है। और यहाँ पर आपको स्टिकर मिलेगा और यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, मडगार्ड से भी फ़र्क है। और यहाँ पर आपको डुअल चैनल एबीएस मिलेगा। फ्रंट पे आपको मिलता है 300 mm का डिस्क ब्रेक और ट्यूबलेस टायर आपको इसके अंदर मिल जाता है 180/17 का। ये देखिए 17 inch की अलॉय व्हील है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से रहने वाला है। और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रिफ्लेक्टर के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिलता है भाई सिंगल चैनल एबीएस और 260 mm का डिस्क ब्रेक है। देखो दोनों के डिस्क ब्रेक के साइज़ में फ़र्क है, ये देखो उसमें आपको 300 mm, तो इसमें आपको 260 mm का डिस्क ब्रेक सिंगल चैनल एबीएस के साथ और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दोनों में रिफ्लेक्टर के साथ मिलेगा। और इसका टायर 90/90/17 का है, उसका 180/17 है, यानी कि वो N160 का टायर हैवी है और इसका 90/90/17 इसका थोड़ा सिमिलर है। इसमें रैपिंग इस तरह से दी गई है, इसकी जो अलॉय व्हील है इस पर रैपिंग आपको इस तरह से मिलेगी, यह देखिए, ठीक है, यह है रैपिंग इसकी और इसकी रैपिंग यहाँ पर इस तरह से मिलेगी आपको, यह देखिए सेम रैपिंग दी गई है दोनों का, ये देखो आप, ठीक है, ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें भी लेग गार्ड नहीं लगा है, लेग गार्ड इसमें भी लगेगा। इसका देखो इंजन गार्ड इस तरह से मिलेगा, इसका N160 का लेग गार्ड इस तरह से है, देखो ये रहा लेग गार्ड और इसका N150 का लेग गार्ड इस तरह से है। दोनों का लेग गार्ड सेम है, देखो यहाँ इंजन गार्ड यहाँ पर देखो, लेकिन इसका अलग है, ये देखो थोड़ा सा होल कम है, इसमें आपको ज़्यादा मिलता है और वो आपका यहाँ तक गया है, इसमें यहाँ तक है, देखो आप इसमें आपका इस तरह से मिलेगा थोड़ा सा छोटा और ये आपका ग्राफिक चेंज रहेगा, यहाँ तक है और उसका देखेंगे तो वहाँ तक है, ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क है साइज़ में हाइट में। और ये रहा इसमें लेग गार्ड आपको मिलेगा, उसमें लेग गार्ड नहीं लगा, सिंगल हॉर्न इसमें भी दिया गया है और सिंगल हॉर्न इसमें भी, और डुअल चेसी पर ये भी इंजन टाइट है और ये भी टाइट है, देखो आप। अब सबसे बड़ा चेंजेस यहाँ पर आपको मिलेगा, अब सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसका जो है कवर, देखो फ्यूल टैंक जो है यहाँ तक दिखेगा, देखो फ्यूल टैंक पल्सर का स्टिकर यहाँ पर भी देखो इस तरह से रहेगा और इसमें भी पल्सर का और यहाँ तक एकदम सेम, यानी कि इसका जो बॉडी है फ्यूल टैंक वाला वो सेम टू सेम दोनों गाड़ियों का है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इंजन दिखा दूँ तो बजाज पल्सर N150 में आपको मिलता है किक स्टार्टर, देखिए आप किक स्टार्टर और इसमें आपको सेल्फ स्टार्टर मिलेगा, किक स्टार्टर नहीं मिलेगा। और उसके अंदर आपको DTSI ट्विन स्पार्क, अब जो है बजाज का इंजन आ गया है, यानी कि सिर्फ बजाज लिखा मिलेगा, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन ये आपका नहीं रहेगा, अब डबल स्पार्क प्लग वाला सिस्टम हट गया है जो अभी 2024 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है, उसकी वीडियो नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी आपको, ठीक है। तो यही इंजन मिलेगा, अब उसमें भी किक स्टार्टर सिर्फ नहीं रहेगा, बस ये बजाज लिखा रहेगा। तो ये जो इंजन है ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको मिलता है 149.68 cc का इंजन है, सिंगल सिलेंडर 4-stroke SOSC इंजन और उसके बाद 2 वाल पर ये इंजन आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर आपको मिल जाएगा मैक्सिमम पावर 10.66 kW 14.5 PS पे 8500 RPM है इसका, ध्यान दीजिए आप 8500 RPM और मैक्सिमम जो टार्क है वो 13.5 Nm 6000 RPM पावर है। 5 गियर है 40 से 45 का माइलेज, किक सेल्फ दोनों स्टार्टर, ठीक है, ये रहा है इसका इंजन। और अब देखो इसका इंजन, ये देखिए इसका इंजन आपको मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है 164.82 cc का और ये डबल स्पार्क प्लग है, DTSI इंजन इसके अंदर मिलेगा अब, लेकिन ये सिस्टम हट गया है। यहाँ पर इंजन ऑयल भी दिखेगा, ऑयल फिल्टर यहाँ पर दिया गया है और ये रहा इंजन, इसका इंजन है 164.82 cc, सिंगल सिलेंडर OSC 4-stroke 2 वाल आयल कूल्ड FI इंजन आपको मिलेगा, इसमें आयल कूल का सिस्टम दिया गया है, आपसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसके अंदर ये आयल कूल वाला सिस्टम दिया गया है और यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ये देखिए ये एयर कूल है, ठीक है। बाकी 5 गियर मिलेगा यहाँ पर, देखिए N150 का इंजन है ये, 5 गियर यहाँ पर आपको मिलेंगे, यहाँ पर लिखा भी है, ये रहा गियर लीवर इसका, इंजन देख सकते हैं और यहाँ पर इसका इंजन आपने देखा, दूसरी साइड से इंजन दिखा देते हैं, ये देखिए ठीक है, तो लगभग मॉडल डिज़ाइन सेम दिखेगा आपको, ये देखिए यहाँ पर भी आपको 5 गियर मिलेंगे, दोनों में 5-5 गियर, गियर लीवर आप देख सकते हैं, साइड चेन कट ऑफ इंजन फीचर। तो इसके अंदर इंजन आपको मिलेगा 164.82 cc का, 160 लिखा है लेकिन उससे ज़्यादा, और उसके बाद ये मैक्सिमम पावर है 11.7 kW 16 PS और उसमें 10.66 kW है, इसके आपका थोड़ा ज़्यादा 1 kW है, 16 PS इसमें है, उसमें 14.5 PS है,
8750 RPM इसमें मिलेगा, N1 सिस्टम है, और N150 में आपको मिलेगा 8500 RPM, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रहेगा, इसमें आपका 6750 मैक्सिमम टार्क है जो कि 14.65 न्यूटन मीटर पर, और इसमें आपका मिलता है भाई 13.5 न्यूटन मीटर, ठीक है, 6000 RPM पे। तो ये हो गया, अब माइलेज आपको ये देगी 35 से 40 का, N160 35 से 40 का माइलेज। और आप चलो यहाँ पर देखते हैं इन दोनों गाड़ियों में भाई USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। और अब सबसे पहले यहाँ पर आप देखो इसका इग्निशन, ये हैंडल बार देखो, हाई लो बीम टर्न सिग्नल, हॉर्न पासिंग, और यहाँ पर लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम है N160 में, और इंजन के स्विच भी, मोबाइल चार्जिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका फ्यूल टैंक, और 14 लीटर फ्यूल टैंक आपको मिलेगा N150 और N160 दोनों का, आपको 14 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और E20 मॉडल है, USB चार्जिंग पॉइंट आपको मिलता है N150 में भी। ये देखिए मोबाइल चार्जिंग, इंजन किल स्विच, इसमें लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम नहीं है, देखिए डिफरेंस, ऐसा नहीं कि दोनों गाड़ियाँ बराबर हैं, यहाँ पर लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम नहीं है, और यहाँ पर हाई लेविंग टर्न सिग्नल, हॉर्न पासिंग, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये देखिए आप पूरा जो इसके अंदर डिजिटल मीटर है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखेगा इन दोनों गाड़ियों में। सबसे पहले देखता हूँ कौन बता सकता है फ़र्क, देखो ये है पूरा इग्निशन ऑन किया तो देखा पूरा, अब देखता हूँ इसका ऑन करता हूँ, देखिए कौन बता सकता है, है कोई फ़र्क? यहाँ पर ये फ़र्क है, ये चीज़ जो है ये इंजन टेम्परेचर का इसमें प्लस पॉइंट है, यानी कि ज़्यादा बढ़ा है, बाकी साइड स्टैंड और ये सब आपका दिखाएगा, इसमें भी साइड स्टैंड आपका दिखाएगा, ये देखिए बाकी बैटरी, एफ आई लाइट, और यहाँ पर देखिए पासिंग, RPM, ABS, इंडिकेटर, न्यूट्रल, और यहाँ पर ये फाई लाइट, टाइम आपका देखो क्लॉक है इसके अंदर, स्पीड बताएगा, यहाँ पर फ्यूल गियर बताएगा, ये सब कुछ इसके अंदर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी है, और गियर इंडिकेटर है इसके अंदर, देखो सर्विस रिमाइंडर आपका सर्विस बताएगा, ये सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी देखिए इसमें देखो ये आपका स्पीड, फ्यूल, सर्विस, डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्लॉक इसके अंदर, देखो टाइम और गियर, ये सब कुछ आपको मिलता है दोनों में। ABS यहाँ पर आपको मिलेगा, न्यूट्रल, इंडिकेटर, आरपीएम लिमिट, यहाँ पर साइड स्टैंड और पासिंग, फाइल लाइट, ये सिर्फ उसमें नहीं है, बस ये चीज़ हट नहीं है, बस बाकी सेम डैशबोर्ड मिलेगा। मोड और सेट का बटन भी यहाँ पर देख सकते हैं, मोड और सेट का बटन भी आपको मिलेगा। तो ये आपका पूरा सेटअप रहेगा, एक चाबी देख सकते हैं इस तरह से रहेगा इसकी की, और इसकी भी चाबी देख सकते हैं, की जो है एकदम सेम है दोनों का, ठीक है। ये पूरा डैशबोर्ड रहेगा, मोबाइल चार्जिंग दोनों गाड़ियों में रहेगा, 14 लीटर पेट्रोल आएगा, और ये पल्सर का जो स्टिकर है 3D वाले, दोनों गाड़ियों के सेम स्टिकर भी हैं, और सेम टू सेम कलर और ग्राफिक्स भी आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें N160 है, ये N150 है, सेम टू सेम रहने वाला है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, अंडर बेलेक जो आपको N160 का देख सकते हैं इस तरह से है, देखो यहाँ पर ये डिज़ाइन देखो, और ये N160 है, ठीक है। अब N150 ये देखो इसमें सादा है, ये देखिए ये इसमें सादा है, इसमें कटिंग नहीं है, देखो आप ये डिफरेंस है, ये थोड़ा बाहर भी है, और वो देख सकते हैं वो इस तरह से रहेगा, वो देखो, ठीक है, ये डिफरेंस है, किक स्टार्टर्स में रहेगा ही। ब्रेक लीवर इसका देखो इस तरह से है, ब्रेक लीवर, फुटरेस्ट, ये पूरा आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसके अंदर ये इस मॉडल में है, ये देखो ब्रेक लीवर थोड़ा स्टाइलिश लुक में है। और उसके बाद देखो इसका अंडर यहाँ पर कवर इस तरह से है, इसमें भी आपका अंडर कवर इस तरह से है, इसमें थोड़ा सा और लंबा चौड़ा दिया गया है। बाकी मोनोशॉक सस्पेंशन 5-स्टेप एडजस्टेबल, इसमें आपका 7-स्टेप एडजस्टेबल इसमें भी मिल जाएगा, मोनोशॉक सस्पेंशन, अंडर कवर, ये देखिए पीछे का मडगार्ड यहाँ पर दोनों में इस तरह से दिया गया है, मडगार्ड देखो आप, और चेन कवर, सारी गार्ड देखो, N150 है ये, और इसमें आपका ये इस तरह से रहेगा, ये सारी गार्ड, अंडर कवर, ये सब पूरा दे सकते हैं, सारी गार्ड इसमें आपका इस तरह से है, इसमें भी जब चाहेंगे तो लग जाएगा, क्योंकि उसमें और उसमें सेम टू सेम सिस्टम है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, अभी सिर्फ इस तरह से आपको मिलेगा। ये देखिए आप पूरा, ये अंडर कवर, पीछे मडगार्ड इस तरह से, N160 यहाँ पर आपको मिलेगा, और ये देखिए इसका ग्रेबरेल देखो, इसमें स्प्लिट मिलेगा ग्रेबरेल और स्प्लिट सीट मिलेगा N160 में स्प्लिट ग्रेबरेल, यानी अलग अलग सीट है और अलग अलग ग्रेबरेल आपको मिलेगा N160 में, और यहाँ पर आपको सिर्फ N160 ही स्टिकर मिलेगा, यह पूरा सादा रहेगा, ठीक है। अब ये देखो N150 का यहाँ पर स्टिकर आपको मिलेगा, वो भी 3 ये देखो ऐसा, मतलब 2 है लेकिन 3 दिख रहा है ऐसा इस तरह से, और इसमें सिंगल सीट और सिंगल ग्रेबरेल आपको मिलेगा, सिंगल ग्रेबरेल और सिंगल सीट, ये इस तरह से रहेगी गाड़ी। और ये रही N160, अब दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे के पैनल, सीट और ग्रेबरेल से। अब ये जो साइड का है यहाँ से भी फ़र्क आपको मिलेगा, देखो ये यहाँ पर ग्रिल जैसा बनाया गया है, ये पूरा सादा है, ठीक है। अब इसमें देखो ग्रिल जैसा है तो यहाँ पर टेक्सचर डिजाइन है इसके पैनल पर, N160 पर देखो यहाँ से दिख रहा है ना, अब यहाँ पर देखो N160 का सादा है, ये डिफरेंस आपको मिलेगा,
और इस तरह से सारी स्टैंड दोनों गाड़ियों का सेम है और ये गियर लीवर तो दोनों गाड़ियों का सेम रहेगा। आप पीछे का जो सिस्टम है इसमें देखेंगे तो डिस्क ब्रेक आपको 230 mm का मिलेगा और अगर आप सिंगल चैनल एबीएस लेंगे तो इसमें आपको 280 mm का मिलेगा, लेकिन डुअल चैनल एबीएस वाली है ये तो इसमें आपका 230 mm का डिस्क ब्रेक रहेगा विथ एबीएस के साथ, लेकिन इसके अंदर आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, रिंग आपको मिल जाएगी तो इसमें आपका डबल डिस्क नहीं रहेगा, ये फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पर आपको रैपिंग सेम मिलेगी, MRF का ट्यूबलेस टायर मिलेगा और इसका जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं 120 80 17 का है N150 में, 120 80 यानी 120x80 का, और इसमें आपको मिलेगा 130x70 का, ये देखो 130x70 का इसका लंबा चौड़ा थोड़ा टायर है, ये यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका टायर और ये देखिए इसका टायर। ठीक है, ये देखो थोड़ा टायर का फ़र्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा गाड़ियों में। अब देखो इसमें जो टेल लाइट है N150 की इस तरह से है, जला के दिखाता हूँ, ये देखो N150 है, ठीक है ना, ये देखो, और इसका जो फेंडर है देखो यहाँ पर फाइबर लगाया गया है पूरा, और यहाँ पर आपका नंबर प्लेट की लाइट और यहाँ पर नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर, ठीक है, ये पूरा लुक देख लो। अब ये है N160, ये चीज़ एकदम सेम है और ये भी सेम टू सेम है ये भी, लेकिन यहाँ पर आपका ये अल्मोनियम है, इस पर कवर नहीं दिया गया है, बस ये फ़र्क आप देख सकते हैं उसमें, ये इस तरह से रहेगा और इसका इस तरह से, अब दोनों साथ में देख लो और इसको भी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। साइड स्टैंड उठ जा, अब इसकी जो टेल लाइट है वो सेम टू सेम दोनों गाड़ियों का है, देखो इसकी जो टेल लाइट है ये देखिए। अब ये रही N150, ठीक, दोनों की जो टेल लाइट है वो सेम टू सेम आपको मिलेगी और गेरेबल अलग है। अब उसके बाद इसमें देखो ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से टेल लाइट दिखेगी, ये देखो N150 और N160 इसमें भी सेम है। ठीक, अब चलो गाड़ी को हम बंद करते हैं, अब इन दोनों बाइकों का प्राइस और ग्राउंड क्लियरेंस बताते हैं। अब यहाँ पर अगर आप भाई अब इन दोनों गाड़ियों को देख लिए हैं और Yamaha FZS की बात करें तो भाई MT इसके N150 जैसा उसमें भी आपको सिंगल सीट ही मिलती है, ये देखिए इसमें अलग सीट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें बाहर से साइलेंसर है उन दोनों गाड़ियों में, अंडर बेल एग्जॉस्ट है और Apache 160 4V में बाहर से एग्जॉस्ट है और इन दोनों गाड़ियों में अंडर बेल एग्जॉस्ट है। ठीक है, और डुअल चैनल एबीएस के साथ। अब देखो इसका प्राइस आपको बता दिया, अब ग्राउंड क्लियरेंस और प्राइस पीस बताते हैं। दोनों बाइकों का 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इन दोनों बाइकों में है और 790 mm सीट है इसका, यानी N150 की जो सीट है वो 790 mm है और N160 की जो सीट हाइट है वो आपको मिलती है भाई 795 mm, यानी कि 5 mm ज़्यादा, और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का सेम है और वज़न है दोस्तों इसका 145 किलोग्राम, इसका N150 का 145 किलोग्राम है और N160 डुअल चैनल ABS का 154 किलोग्राम, सिंगल चैनल ABS लेंगे तो 152 किलोग्राम, ये इस तरह से है। और बाकी अब भाई दोनों चारों गाड़ियों का प्राइस भी बताया, TVS Apache RTR 160 4V वेस पल्सर N160, तो प्राइस आपको ये गाड़ी पड़ेगी N160 जो है वो 156,000 रुपये और 168,000 में Apache RTR 160 4V और 157,000 में Yamaha FZS वर्जन 4, और ये गाड़ी आपको पड़ेगी N150 139,000 रुपये। तो अब वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें हमारे और शेयर करें ज़रूर।